जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता है एमटीटीवी इंडिया। और आज बात राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर खेती और किसान पर हो रहा है। मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स, अनवेगा मॉल, अजमेर। जलवायु परिवर्तन के इस असर का अध्ययन करने के लिए देश के 8 राज्यों के कृषि वैज्ञानिक जयपुर में जुटे हैं। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन ने जहां पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं खेती और किसान के समक्ष चुनौतियां खड़ी हुई है। जलवायु परिवर्तन से जीव जंतुओं का व्यवहार बदल रहा है। पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और जालौर जिले में तेज सर्दी के मौसम में भी टिड्डियों के प्रकोप को जलवायु परिवर्तन का ही कारण माना जा रहा है। इसी के साथ रविवार को जयपुर में अपना संस्थान एवं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण प्रहरी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में जलवायु परिवर्तन और हरित राजस्थान पर काम कर रहे लोगों को सम्मान देना था। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अजमेर के 13 व्यक्तियों को सम्मानित किया, जिसमें उन्हें प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र और शील्ड दी गई। श्री कुलदीप सिंह गहलोत को पर्यावरण के लिए 15,000 पेड़ लगाने हेतु, सिद्ध भटनागर को वृक्षारोपण एवं नवाचार हेतु, महेंद्र विक्रम सिंह जी एवं डॉक्टर प्रवीण माथुर को बर्ड कंजर्वेशन, लोक कला संस्थान के संजय सेठी को मांडने के जरिए पर्यावरण सुरक्षा, स्मृति भार्गव को नृत्य, दर्शत सिंह तंवर को विभिन्न विद्यालयों में डस्टबिन वितरण करने हेतु, रघुवीर सिंह राठौर को ऑर्गेनिक खेती में विशिष्ट प्रयोग करने हेतु, एडिशनल SP प्रीति चौधरी को हाडारानी बटालियन में 11,000 नीम के पेड़ लगाने हेतु, विश्वास पारिक को योग के माध्यम से पर्यावरण रक्षार्थ, निर्मल गंगवाल को नारेली स्थित तीर्थ क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु, डॉक्टर विकास सक्सेना को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में वृक्षारोपण हेतु, रंगमंच के द्वारा प्रकृति हित में काम करने वाले विष्णु अवतार भार्गव जी को, पूनम पांडे को साहित्य हेतु, शलभ टंडन को भू एवं जल संरक्षण उनके नवाचार प्रयोग हेतु, सृष्टि भार्गव को वन्य जीव एवं सांपों को पकड़ने के क्षेत्र में और ललित खत्री को इको फ्रेंडली वेडिंग हेतु गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के समस्त जिलों से 130 प्रतिभागियों को इस पुरस्कार हेतु चुना गया था। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंह के साथ मैं ललित खत्री। देखिए, आज राजस्थान के सभी जिलों से सेलेक्टेड लोग आए हैं जिन्होंने पर्यावरण पे अच्छा काम किया है, और उन्हें पर्यावरण प्रहरी पुरस्कार दिया गया माननीय गजेंद्र जी शेखावत द्वारा, जो कि हमारे जल मंत्री है। ये सभी लोग वो है जिन्होंने पेड़ लगाए, जिन्होंने प्रकृति की रक्षा की, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कॉलेज में इतने सब लोग राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति चेतना को बढ़ाया। माननीय मंत्री महोदय भी यहाँ बहुत खुश थे, पर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज की हमेशा एक कोशिश रही है कि प्रकृति को कैसे अच्छा बनाया जाए, तो उसी दिशा में हमने विज्ञान से जोड़ा, हमने कुछ नए उपकरण बनाए। सर, मैं विवेकानंद नवयुग मंडल हर सिकर से हूँ मैं, और हमने सुना कि जयपुर में एक संस्था है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए आज एक सम्मान समारोह रखा है, उनको जानकारी के लिए आदान प्रदान का वो रखा है। तो हम लोग सीकर से चलकर आए हैं और यहाँ आके देखा, नए नए लोगों से जो एक वर्कशॉप थी वो शेयर हुई आपस में कि कैसे कौन कौन क्या कर रहा है। हम लोगों ने भी पेड़ पौधे हैं, स्वच्छता है, और ये अपने जल संरक्षण है, रक्तदान शिविर है, ऐसे बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। और इस समय जो हमारा ध्येय है, जल बचाओ, जान बचाओ, देश बचाओ, तो वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग गांव में जहाँ आसपास में रहते हैं, वहाँ आसपास के गांव में हम लोगों ने जो पुराने बोरवेल पड़े हैं और जो गांव की जो समस्या है गंदे पानी की, तो हम लोग ऐसे यूनिट ढूंढते हैं जहाँ उस पानी को रिचार्ज के माध्यम से कन्वर्ट करके ज़मीन में उतारा कैसे जा सके। और हम लोगों ने ऐसी 6 यूनिटें बना दी है हमारे अकेले गांव में, और जो भी लोग हैं उनको जागरूक करते हैं कि आप जो छतों का पानी है उसको कैसे भी करके फिल्टर करके अपने कुओं या बोरवेल है उसमें उतारी। आज जयपुर में यानी शिक्षण
समारोह रखा गया था जो माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सानिध्य में पूरा हुआ। इस कार्यक्रम में राजस्थान के समस्त संभागों से 30-30 लोगों को चुना गया था जो पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं और समय समय पर पेड़ पौधे लगाना या किसी भी तरह इस पर्यावरण से संबंधित मैसेज को समाज में देना कि जिससे पर्यावरण स्वच्छता बनी रहे, इस तरीके के सभी काम करने वालों को आज वहां पर सम्मानित किया गया। पर्यावरण प्रेमी जो पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं जैसे जल संरक्षण, प्लास्टिक, पेड़, इन सब के लिए तथा चराचर जीव जगत के लिए जैसे सरीसृप वाले विशेषज्ञ भी थे, तितली वाले भी थे, ऐसे सारे लोगों का एक संगम था। उनको प्रोत्साहित करने के लिए अपना संस्थान की ओर से उनका एक सम्मान समारोह था। राजस्थान को 3 प्रांतों में बांट रखा है। 3 प्रांतों के लगभग 150 से अधिक प्रतिभागियों ने यहाँ भाग लिया और अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ सारे लोग वहाँ आए और उन्होंने इस सारे कार्यक्रम के लिए किया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, अखिल भारतीय पर्यावरण गतिविधि जो संघ का संघ जिसका काम कर रहा है उसके अखिल भारतीय सह प्रमुख माननीय राकेश जी जैन इस कार्यक्रम में रहे। तो इस प्रकार ये श्रेष्ठ कार्यक्रम रहा। पर्यावरण प्रहरी सम्मान समारोह है अपना संस्थान का राजस्थान स्तरीय। जो 2 मुख्य कार्यक्रम हैं उसमें से एक यह है। इसमें हम जो राजस्थान के अंदर पर्यावरण यानी ये पंच तत्व के मामले में जो भी किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं और उन्होंने कुछ न कुछ उस गांव में, उस शहर में परिवर्तन लाया है, कुछ अचीवमेंट किया है, ऐसे लोगों का हम सम्मान करते हैं ताकि ये जो बिखरे हुए मोती हैं, अपना संस्थान एक धागा है, इन सबको जोड़ करके भारत माता के गले में एक सुशोभित कर सकें, ऐसा एक हमारा ये पहला प्रयत्न है। इसको हम कंटिन्यूस करेंगे, प्रतिवर्ष इस प्रकार सम्मान समारोह करेंगे। मेरा नाम वृक्षपतोल दा भगवान गांव ना रहे, थाना अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर। मुझे बताया गया कि तुम्हें बियाणी कॉलेज में जाना है, वहाँ सम्मान पर्यावरण के तहत सम्मान करेंगे, गजेंद्र शेखावत आएंगे। तो मैं आया हूँ यहाँ और मैंने अच्छा यहाँ का बड़ा अच्छा माहौल देखा, बड़ा प्रसन्न। मैं छोटा था जब बुढ़ापे में पैदा हुआ, तो मेरा गांव में छोटा था जब, तो शेर बनार वगैरह थे, बड़ा अच्छा क्लाइमेट था, पहाड़ों का है, नार गांव है। फिर बाद में मेरा गांव दारू निकालने गया, पूरे गांव ने दारू पेड़ों को काट दिया और फिर बाद में फौज में हो गया। मैं लड़ाई पेड़ों के लिए मैं गांव में आ गया, गांव को समझा भाई पेड़ मत काटे, भगवान होते हैं, पर गांव वाले जानते नहीं, दारू निकालते थे। फिर मैंने पेड़ों के लिए कुर्बान होकर मुझे काट दिया गया 11/2/1994 पर, मैं काटने वाला को भी बख्श दिया। और मेरा गाँव में पहले 5 पेड़ भी अगर कोई बचा दे तो उनको 11 लाख मेरा इनाम है। फिर बाद मेरी 2 लाख मैंने बोना उगाना कर दिया है और मेरा गांव में एक UI बड़ी श्रेष्ठ है।